सत श्री अकाल जी, वर्ल्ड पंजाबी टीवी तुसी वेख रहे हो जी। मैं हमर अज असी मौजूद हाँ मोहाली दे विच, ते मोहाली ते चंडीगढ़ दे विच जिवें कि तुहानू पता हैगा मुकम्मल तौर ते प्रशासन ने लॉकडाउन दा ऐलान किया होया। वीरवार सवेरे 5 बजे तक ये तमाम चीज़ां प्रमान रहनगियां। पर दूजे पासे अज साडा मुख तौर ते मकसद होगा कि बाजारां तों लैके सड़कां तक दा हाल तुहानू दिखाउणा, रियलिटी चैक करांगे असी कि वाकई प्रशासन ने जिहड़ा ऐलान किया है लोग उहनू फॉलो कर रहे हैं जां फिर नहीं कर रहे हैं। तो दूजे पासे दिखाने की कोशिश करांगे, तो तुहानू दसांगे भी कि कुछ खुला भी हैगा ते की कुछ बंद भी हैगा। हालांकि जीरकपुर तो लैके मोहाली तो लैके जे चंडीगढ़ की गल करिए, एंट्री पॉइंट जिहड़े हैगे ने ट्राई सिटी के, उत्थे फिलहाल सख्त सुरक्षा का पैरा लाया होया प्रशासन ने। दूजे पासे ये भी तुहानू विखाउण की कोशिश करांगे कि वाकई लोगों के की विचार ने तमाम चीज़ों को लैके। तो फिर देर किस गल की शुरुआत करते हैं, फिर लैके चलते हैं तुहानू ते अज दिखावांगे तुहानू कि मोहाली ते चंडीगढ़ का की हाल हैगा। तो फिलहाल सब तो पहला तुहानू दुकानों दीयां तस्वीरां तुहानू दिखाने हैं, इंडस्ट्री एरिया तुहानू दिखा दिंदे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच देख सकदे तुसीं कि मुकम्मल तौर पर जड़ा लॉकडाउन लगाया होया है उसका की कुछ असर मोहाली दे विच नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट रोड दीयां तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं असीं, ते अगे बाज़ारां दा माहौल भी तुहानू विखावांगे। हालांकि गड्डियां दा काफिला तुसीं देख सकदे हो कि लगातार सड़क तो हुंदा होया अपनी मंजिल दे वल पहुँचदा होया नज़र आ रहा है। पर इन्हां दा नज़र आ रहा है कि लोग घट्टो घट मास्क की वरतों करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हां तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकदे हो किवें सुन्न दा माहौल सड़कां ते नज़र आ रहा हैगा। अंदरले इलाकियां दी गल करिए तां, पर दूजे पासे जड़ी मेन सड़क है उत्थे तुसीं देख सकदे हो कि किवें आवाजाई लोगों की अजे भी चलती हुई नज़र आ रही है। 23 अप्रैल शुक्रवार रात 8 बजे तो लैके 26 अप्रैल सोमवार सवेरे 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया प्रशासन के वलों। इस तो अलावा शुक्रवार को होने वाली मीटिंग 7 दिन का लॉकडाउन लगाने भी विचार किया जाएगा। करोना के मामले की स्थिति को दर्शकों दस दें कि यह फैसला किया गया है। तो इस अलावा बिना लॉकडाउन वाले दिन नाइट करफ्यू भी वधा दिया गया है, जो रात 10 बजे की जगह 8 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक रहेगा। ये मुख तौर पर एयरपोर्ट की सड़क तुसी देख रहे हो, इसका आलम तुम दिखा दें चारे पास्यों। हालांकि लोग अज घर ही बैठे हुए हैं, तो इन तस्वीरों के देख सकते हो सड़क का माहौल सुनसान, ये माहौल किवें का नज़र आ रहा है। 11 फेस में यह सड़क जाती हैगी है, जड़ी तस्वीर तुसी देख रहे हो खब्बे पासे भी तुहानू लै चलते हैं, तो सज्जे पासे भी तुहानू दिखा दें कि किवें तस्वीर नज़र आ रही है। लोगों नू नाल नाल असी दस दें कि अज की कुछ खुला रहेगा की कुछ बंद रहेगा, वो भी तुहानू असी अपडेट लगातार देवांगे। हालांकि ऑटो भी तुसी देख सकते हो इत्थे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एमरजेंसी सेवावां नू भी हालांकि प्रवानगी दी गई है, तो लोग जड़े दूर दराडे फिलहाल फसे हुए ने चंडीगढ़ तो बहरले इलाकों के लोग फिलहाल अज भी अपने घर परते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोकल लोग जिन्हों बहुत ज़्यादा जरूरी काम है वह भी फिलहाल निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सुखना झील, रॉक गार्डन, सारे पार्क के सैर सपाटे वाले स्थान, सारे मॉल और सिनेमाघर, सारे सैक्टर की गल करिए, मार्केटा की गल करिए, शराब के ठेकों की गल करिए, सारे धार्मिक स्थानों की गल करिए, लोगों के जाने रोक है। पर मंदिरों च अज सवेरे देखिए कि रामनौमी के मौके मंदिरों के विच अजे भी संगत पहुँच रही है, तो मत्था टेकया जा रहा है। वही लोग हालांकि बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जिन्होंने जरूरी काम के लिए कितने जाना है। पुलिस प्रशासन उन्होंने रोक भी रही है, तो दूजे पासे पुलिस प्रशासन उन्हों तो बकायदा आइडेंटी कार्ड की डिमांड भी कर रही है, तुसी आइडेंटी कार्ड दिखाओ तो फिर ही तुहानू अगे जान दिता जा रहा है। पर वाकई वातावरण के विच भी काफ़ी कह सकते हैं कि चेंजिस आए हैगे ने, क्योंकि कल एक तो मीह भी पिया है, तो दूजा एयर क्वालिटी जी हैगी चंडीगढ़ मोहाली की या फिर जीरकपुर की गल करिए उस भी सुधार होंदा होया नज़र आया। तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं फिलहाल एयरपोर्ट रोड दीयां तस्वीरां, ये फिलहाल हुण सोहाना रोड दीयां तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं। सोहाना रोड तो लैके एयरपोर्ट रोड की यह तस्वीर, ट्रिब्यून चौक नूं भी रस्ता जाता है खब्बी साइड जिथों तुहानू लैके असीं जा रहे हैगे आ। ते दिखाउण दा मकसद यह है तस्वीरां कि वाकई सख्त नियम तो बाद भी कि वाकई लोग जागरूक होए ने। एक होर एंगल तो तस्वीरां तुहानू दिखा देने हैगे आ, आ देख सकदे हो बाज़ारां दा आलम किवें नज़र आ रहा है, चारे पासे सुन पसरी हुई है। बाकायदा प्रशासन कल पहुँचिया, पुलिस मुलाजम दुकानों के पहुँचे, शॉपिंग मॉल्स के पहुँचे, बाकायदा हदायत दी गई सन
कि तुसी कल मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ा बंद रखनी है। ताले तुसी देख रहे हो फिलहाल रेस्टोरेंट होटल खाण पीण दी दुकाना दी गल करिए खुलण गया पर सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। प्रीख्यावां लई विद्यार्थियों को छोड़ दी गई है, इन्हों आउण जाण की इजाजत दी गई है। आई डी कार्ड जिमें कि मैं पहला क्या तुहानूं दिखाना पवेगा। कान व्यवस्था नगर निगम सेवावां एमरजेंसी सेवावां इन्हां कर्मचारियों को इजाजत दी गई है। यूनिफॉर्म च पुलिस मिलटरी अते सीआरपीएफ के जवानों को इजाजत दी गई है। सेहत मुलाजम ड्यूटी च लगे सरकारी मुलाजम मीडिया कर्मचारियों को इजाजत दी गई है। ब्याह ते मूवमेंट पास लई हालांकि जे तुसी अप्लाई करना है संपर्क करना हैगा तो एसडीएम तो भी मंजूरी तुहानू लैनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगी। इसलिए 0172-27-0076 ये नंबर हैगा 76। जे तुसी एक होर नंबर भी तुसी नोट करना तो वह भी कर सकते हो 0172-27-00-341। ये दो नंबर तुहानू बार बार दस रहे हैं, असी तुसी मुड़ फिर तो नोट कर सकते हो 0172-27-00-76 ते 0172-27-00-341 ते संपर्क किया जा सकता है। तो देखिए तुसी बाजारा का की हाल नज़र आया। तो फिलहाल एक छोटी जिही मार्केट के बीच भी असं मौजूद हाँ, चाहवागे तस्वीर दिखाई जा तस्वीर के देख सकते हो लोग बिना मास्क तो फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ दुकाना हालांकि ग्रोसरी जड़ा स्टोर हैगा वह भी ओपन हैगा, ढाबे भी बंद है। इधर भी हालांकि थोड़ा बहुत समान लोग लेंदे हुए नज़र आ रहे हैं पर दूजे पास मास्क की वरतों जरूर करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। दूजे पास होर भी तस्वीर तुम दिखा रहे हैं लोड़ा समान जोड़ा है दुध की गल करिए फिर छोटा मोटा समान हैगा वो लगातार लोग लेंदे हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दुकानदार भी साढ़े नाल मौजूद ने, उन्होंने भी गलबात करा तो मुकम्मल तौर पर हालांकि ताले तो तुम देख ही पा रहे हो। हालांकि तस्वीर के भी तुम दिखाया सी मैं ताला जड़ा हैगा वो काफ़ी जगह लग्या हुआ नज़र आया पर कुछ जड़िया दुकाना है उस करके खुलिया ने कि किसी ने दुध लेना है या फिर जरूरी राशन का समान लेना है तो उस लोग हालांकि बहुत घट गिणती के पहुँच रहे हैं गलबात करने की कोशिश करते हैं। की नाम है जी थोड़ा? मेरा नाम अनीस है जी। कितने काम कर दे? मैं इतने ढाबे से काम करता जी। अच्छा ढाबे के दुकान से काम करते इतने की लैन आए हो? इतने दुध लेना आया थे। अच्छा दूजे पास ढाबे से काम करते है सरकार ने ऐलान कर दिया है लॉकडाउन का वाकई रोजी रोटी पर भी लोगों के असर पै रहा है कि लोग कह रहे हैं कि साड़ी एकता पहले ही घट इनकम हैगी है उपरों खर्चे ज़्यादा है अजे लोगों को यह डर भी है खास तौर पर प्रवासी मजदूरों कि घर के वापस ना जाना पवे डर लगता है तमाम चीज़ा देख के तमाम चीज़ देख के डर तो बहुत लगता है जी। और असी मजदूर बंदे है और ये लॉकडाउन जो लग्या है छोटे छोटे बच्चे साढ़े क्या खाणगे क्या करनगे तो सरकार बिल्कुल नहीं सोचती हैगी है भी लॉकडाउन लाइए किदा लाइए मजदूरों वास्ते बिल्कुल नहीं सोचती हैगी। अब सारी दुकाना सारे सब पासे बंद पे है जी तो गरीबों वाल बिल्कुल नहीं देखती सरकार। बिल्कुल तुम ये देख सकते हो दुकान हालांकि अद्धा शटर खुलिया होया तो बकायदा एक उचित दूरी का भी ध्यान रखा गया है। इधर दुकानदार नाल भी गलबात करते हैं भाजी क्या है जी? भाजी प्रशासन ने जड़ा फैसला लिया उस तो बाद भी तुसी फिलहाल तुसी देख पा रहे हो कि किवें ये तमाम चीज़ा नज़र आ रही ने लोग पहुँच रहे हैं विरला ही लोग पहुँच रहे हैं पर सरकार दे फैसले नू किवें देखते हो तो दूजे पासे दुकान भी तुसी खोली है वाकई प्रशासन ने कहा नहीं कि दुकान का शटर बंद करो या फिर थोड़े बहुते समय लिए खोलिया थोड़े बहुत टाइम वास्ते ही खोलिया है दुध का जो आया से बेचना सी नहीं कल खराब हो जाना जी आई गल वैसे तो ऑफ ही है सारा कुछ कोई है नहीं काम नहीं है बिल्कुल वैसे प्रशासन ने गलत किया बिल्कुल काम नहीं हैगा तो असं भी उचित दूरी के रह के गलबात कर रहे हैं तुम देख पा रहे हो क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी होनी काफ़ी ज़्यादा जरूरी हैगी है। ये तमाम चीज़ा तुम देखिया समझिया तो दुकानदारा का भी तुम हाल दिखाया पर आम लोगों के खासा प्रभाव पैदा होया नज़र आ रहा इन्ना तो साफ हैगा। हालांकि शाम दी तस्वीरें की निकल के सामने आ सकदियां ने यह भी एक वड्डा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल दे नाल अमर शर्मा रिपोर्ट वर्ल्ड पंजाबी टीवी।